तो अभी हम बात करेंगे एवरेज के फॉर्मूले के बारे में। अगर मान लीजिए कि मुझे पता करना है कि टोटल एवरेज सेल क्या है, तो एवरेज सेल पता करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एवरेज का फॉर्मूला लगा देना है ओवरऑल पता करने की एवरेज, और मेरे यहाँ पे पता चल जाएगा कि एवरेज कितना है। देखिए एवरेज विद कंडीशन, मुझे यहाँ पे पता करना है कि जैसे पूजा ने टोटल जो सेल किया है, जो जिसको हमने समीफ से निकाला है, वो सेल किया है 2658। मैं जानना चाहता हूँ कि पर क्वांटिटी मैंने कि पूजा की एवरेज सेल क्या है, मतलब कि पर ऑर्डर, क्योंकि 2658 में उन्होंने कई सारे ऑर्डर प्लेस किया है, तो वो क्वांटिटी में जानना चाहता हूँ कि एवरेज पर इनवॉइस कितनी क्वांटिटी सेल की है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे हम एवरेज का, एवरेज इफ का फॉर्मूला, एवरेज विद कंडीशन। हमने यहाँ पे रेंज लेना है बिल्कुल समीप की तरह, और यहाँ पे हमने क्राइटेरिया सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे एवरेज रेंज सेलेक्ट करना है। आ जाएगा, मैं एक बार और दिखाता हूँ। एवरेज इफ का फॉर्मूला, हमने सेलेक्ट किया अपना रेंज, हमने सेलेक्ट किया अपनी क्राइटेरिया, और सेलेक्ट किया एवरेज। उसी तरह से ये सारे कंडीशन जो है इसमें लगाए जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे ग्रेटर देन 50 का एवरेज सेल चाहिए, एवरेज क्वांटिटी सेल चाहिए कि पर ऑर्डर कितना हुआ है, तो यहाँ भी हम एवरेज इफ का फॉर्मूला लगाएंगे। एवरेज इफ हम यहाँ पे अपना सेलेक्ट करेंगे क्राइटेरिया रेंज, क्राइटेरिया, और यहाँ पे एवरेज रेंज देना जरूरी नहीं, क्योंकि सम रेंज की, सम इफ की तरह ही एवरेज इफ में अगर आपका सम रेंज और क्राइटेरिया रेंज दोनों एक ही है, तो सम रेंज लगाने की जरूरत नहीं है। जस्ट एंटर प्रेस कीजिए और यहां आपका रिजल्ट आपके सामने होगा, और ये सारी कंडीशंस यहां पे भी लगा सकते हैं। उसी तरह से अगर मल्टीपल कंडीशंस है, जैसे कि पूजा ने मुजफ्फरपुर के नॉर्थ एरिया में 1415 सेल किया है, मुझे जानना है कि ओवरऑल कितना सेल हुआ है, तो यहां पे हम करेंगे फॉर्मूला एवरेज इप्स का। जी हाँ, हमारे पास एक एवरेज इप्स का फॉर्मूला है, एवरेज इप्स। हम यहाँ पे देंगे एवरेज रेंज, जो मेरा रेंज का एवरेज है, किसका एवरेज निकालना है। फिर यहाँ पे देंगे क्राइटेरिया वन रेंज, क्योंकि नेम को मैच करना है, क्राइटेरिया वन। क्राइटेरिया टू रेंज, हमें दूसरा क्राइटेरिया देना है। क्राइटेरिया थ्री रेंज, यहाँ पे तीसरा क्राइटेरिया देना है। ऐसे चौथा, पाँच, छठा क्राइटेरिया देते जाइए, आपको यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा।